दोस्तों गदर 2 की तीसरे दिन की कमाई को देखकर साउथ एक्टर्स के उड़े होश। तो क्या है तीसरे दिन की कमाई, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीसरे दिन गदर 2 की कमाई, सनी पाजी ने तोड़ा पठान का भी रिकॉर्ड। दोस्तों इन दिनों गदर 2 का बज बना हुआ है, साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है। ये फिल्म रिलीज के तीसरे दिन शाहरुख खान की मूवी पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। सनी देओल गदर 2 को लेकर फैंस का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। 22 साल बाद रिलीज हुआ फिल्म का सीक्वल इसकी सक्सेस को फिर से लोगों के अंदर भूतान दिखाई दे रहा है। गदर 2 का क्रेज ऐसा है कि लोग इसे देखने के लिए ट्रैक्टर से भी चढ़कर पहुंच रहे हैं। वहीं हर दिन फिल्म की भी कमाई में इजाफा हो रहा है। जहां पहले दिन की इस मूवी की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने 40 करोड़ का बिजनेस किया था, वहीं दूसरे दिन की बात करें तो इस फिल्म ने 43 करोड़ की दमदार कमाई की। अब इस फिल्म का तीसरे दिन का भी कलेक्शन भी सामने आ चुका है। गदर 2 को लेकर फैंस का क्रेज इतना जबरदस्त है कि इस फिल्म के लिए 3 दिन में 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, जबकि फर्स्ट 2 दिनों में यह फिल्म 83 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। अब इसकी तीसरे दिन की भी कमाई सामने आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गदर 2 रिलीज के तीसरे दिन 48 करोड़ की कमाई कर सकती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा होता है तो 3 दिन के अंदर इस फिल्म का कुल कलेक्शन 131 करोड़ रुपए हो जाएगा। दिलचस्प बात तो यह है कि यदि ये प्रेडिक्शन सही साबित होता है तो गदर 2 शाहरुख खान स्टार इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म पठान को भी तीसरे दिन के कलेक्शन में पीछे छोड़ सकती है। आपको बता दें कि पठान ने रिलीज के तीसरे दिन 39.25 करोड़ की कमाई की थी। तारा सिंह बनके लौटे सनी देओल अक्षय कुमार स्टार फिल्म OMG 2 को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जहां गदर 2 का बॉक्स ऑफिस ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, वहीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस आंकड़ों में OMG 2 को लगातार पछाड़ती जा रही है। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको गदर 2 कैसा लगा।